यह है ममता। ममता ने घर पर प्रसव करवाने का चुनाव किया और इसी कारण अपने बच्चे को खो दिया। नमस्ते ममता बहन, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी। नमस्ते, अब तो बेहतर हूँ, लेकिन घर पर प्रसव कराने के निर्णय से अपने बच्चे को खोने का गम अभी भी है। ओह, ये क्या कह रही हो? तुम अपना ध्यान रखो और कुछ समय तक घर पर आराम करो। नहीं दीदी, अब मैं घर पर एक पल भी आराम नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, हमारे समुदाय में बहुत सी महिलाएं घर पर ही प्रसव कराती आई हैं और आगे भी यही करेंगी, पर मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ भी हो। इसलिए अब मैं प्रण लेती हूँ कि मैं समय पर सभी गर्भवती महिलाओं को जानकारी देकर जागरूक करूंगी, जिससे गांव की सभी महिलाएं एक सुरक्षित प्रसव का अनुभव कर सकें। अरे ममता, आज तुम यहाँ कैसे? मैंने प्रण लिया है, मैं गांव की सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूंगी, इसलिए आज मैं यहाँ सबसे बात करने आई हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो सुमन के घर चल के बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय पर ANC जांच कराना, खानपान का ध्यान रखना, दवाई समय पर लेना, अस्पताल में ही प्रसव करवाना व प्रसव के बाद बच्चे का समय पर टीकाकरण करवाना। ममता दीदी, अच्छा हुआ जो आपने हमें समय पर सब महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं समय पर जांच कराऊंगी और प्रसव भी अस्पताल में ही कराऊंगी। अरे वाह, ममता तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ममता, जिस प्रकार से तुम गांव की गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर बच्चों का अस्पताल में पैदा होना सुनिश्चित कर रही हो, इससे हमारे गांव में जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहने लगे हैं। क्यों ना तुम गांव में आशा के पद के फॉर्म भरो, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे ना केवल तुम्हारा सशक्तिकरण होगा, लेकिन तुम दूसरों को भी सशक्त कर सकोगी। जी ANM दीदी, मैं जरूर ये काम करना चाहूंगी। यह है ममता। ममता ने घर पर प्रसव करवाने का चुनाव किया और इसी कारण अपने बच्चे को खो दिया। नमस्ते ममता बहन, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी। नमस्ते, अब तो बेहतर हूँ, लेकिन घर पर प्रसव कराने के निर्णय से अपने बच्चे को खोने का गम अभी भी है। ओह, ये क्या कह रही हो? तुम अपना ध्यान रखो और कुछ समय तक घर पर आराम करो। नहीं दीदी, अब मैं घर पर एक पल भी आराम नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, हमारे समुदाय में बहुत सी महिलाएं घर पर ही प्रसव कराती आई हैं और आगे भी यही करेंगी, पर मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ भी हो। इसलिए अब मैं प्रण लेती हूँ कि मैं समय पर सभी गर्भवती महिलाओं को जानकारी देकर जागरूक करूंगी, जिससे गांव की सभी महिलाएं एक सुरक्षित प्रसव का अनुभव कर सकें। अरे ममता, आज तुम यहाँ कैसे? मैंने प्रण लिया है, मैं गांव की सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूंगी, इसलिए आज मैं यहाँ सबसे बात करने आई हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो सुमन के घर चल के बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय पर ANC जांच कराना, खानपान का ध्यान रखना, दवाई समय पर लेना, अस्पताल में ही प्रसव करवाना व प्रसव के बाद बच्चे का समय पर टीकाकरण करवाना। ममता दीदी, अच्छा हुआ जो आपने हमें समय पर सब महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं समय पर जांच कराऊंगी और प्रसव भी अस्पताल में ही कराऊंगी। अरे वाह, ममता तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ममता, जिस प्रकार से तुम गांव की गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर बच्चों का अस्पताल में पैदा होना सुनिश्चित कर रही हो, इससे हमारे गांव में जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहने लगे हैं। क्यों ना तुम गांव में आशा के पद के फॉर्म भरो,
इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे न केवल तुम्हारा सशक्तिकरण होगा लेकिन तुम दूसरों को भी सशक्त कर सकोगी। जी एएनएम दीदी, मैं जरूर ये काम करना चाहूंगी।